Hello students, and welcome to our channel Edu Entertainment. So students, आज हम करने वाले हैं SSS Similarity Criteria. पहले वीडियो में हमने किया था AAA Similarity Criteria. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा. Link will be in the I button. तो आप जरूर वो वीडियो जरूर देखें. तो आज हम करने वाले हैं SSS Similarity Criteria. ये क्या होता है? इसका statement पढ़ लेता हूँ मैं. If in two triangles, ये if है. If in two triangles, sides of one triangle is proportional to the sides of other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. ये दो चीज पर proportional और corresponding angles, ये दो चीज, ये दो पॉइंट काम के हमारे. सिंपल इसको क्या मीनिंग होता है इसका कि AB दो triangles है, ABC और PQR. If AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR, therefore triangle ABC is proportional, is similar to triangle PQR. ये condition follow होती है, तो हम बोल सकते हैं इससे कि triangle ABC is similar to triangle PQR. Example कर लेते हैं फटाफट. पहले वीडियो का भी हमारा यही था rule, तो अभी भी हम यही करेंगे. तो example क्या है हमारा कि observe figure, ये figure observe करना है, then find angle P. ये हमको ये एंगल दिया हुआ है 80 और ये एंगल दिया हुआ है 60, ठीक है. एंगल P हमको फाइंड करना है. क्या करेंगे? पहले हम प्रूव करेंगे कि ये सिमिलैरिटी का एग्जांपल है, तो हमको सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करेंगे? कि हमको इन्फॉर्मेशन जो दिए उसके बेस पे हम प्रूव करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर की. क्या होगा अगर मैं ए बी अपॉन आर क्यू करूंगा, ए बी अपॉन आर क्यू करूंगा तो 3.8/7/6 होगा और इसका आंसर आएगा 1/2. ये 1 जा और ये 2 जा. सिमिलरली अगर मैं BC अपॉन PQ QP करूंगा, BP QP QP आप जो भी बोलो, 6/12 उसको भी कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. सिमिलरली CA और PR, CA और PR 3√3 अपॉन 6√3 और ये √3 कैंसिल है, 1 जा 2 जा, तो ये भी 1/2. तो क्या बोल सकता हूं, ये तीनों तीन सेम आ गए, मतलब ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी आर. सो हमारा क्या, इससे हमको क्या बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी आर. सो ये करस्पॉन्डिंग साइड हमारे प्रोपोर्शनल हो गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle. फिर से order हमारा बहुत important है. Triangle ABC लिख लिया है, तो यहाँ पे AB और यहाँ पे है RQ, तो AB वहाँ पे आएगा हमारा RQ. यहाँ पे है BC और QP, BC Q तो है हमारे, यहाँ पे P लिखने का. तो triangle ABC is similar to triangle RQP. Order बहुत important है. ऐसे proportional में आपको ऐसे order, हमने पहले तो हम इससे हम क्या बोल सकते हैं कि angle A is equals to angle R, angle B is equals to angle Q, and angle C equals to angle P. क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि if in two triangles, sides of one triangle is proportional to the sides of other triangles, then their corresponding angles are equal. ये दोनों में, इसलिए ये दोनों points को मैंने highlight किया. पहले AA में भी ऐसा ही था, corresponding angles are equal, therefore corresponding sides are proportional. ये दोनों SSS और AA interconnected ही है, ठीक है. ये हो गया हमारा काम. अब देखो एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, इससे हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमारे यहाँ पे एंगल A और एंगल B है. एंगल C फाइंड करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी. 180 डिग्री माइनस एंगल A माइनस एंगल B, 180 डिग्री माइनस 80 माइनस 60. सो हमारा 80 डिग्री 80 माइनस 60 सॉरी ये हमारा 40 बचेगा, ठीक है. देयरफॉर एंगल P is equals to 40 degree, ठीक है. So ये हमारा हो गया SSS Similarity Criteria. उसका क्या criteria है, उसका example. अगर आपको ये short and sweet video अच्छा लगा हो तो ज़रूर like कीजिए, share कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए.